दिस इज द सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल। तो देखिए, सॉलिड रिसर्च करते हैं, सॉलिड नंबर्स लेके आते हैं और फिर सॉलिड एडवाइस देते हैं। आई थिंक अगर आपसे हम पूछें, जसप्रीत बुमराह के बारे में बड़ी चर्चा होती है, जसप्रीत बुमराह कब डालें, कहाँ डालें, 277 का मैच हुआ उसमें भी वो, जो मैं कहता हूँ भूवी बिजनेस मॉडल ना, जो जैसे भूवी ने किया था क्रिस गेल के खिलाफ, वैसे जसप्रीत बुमराह भी अपने ओवर डाल गए जब सब पिट रहे थे 15 पे, तो वो फिर भी सस्ते में डाल गए। आप कहाँ इनसे बॉलिंग करवाएंगे, कहाँ देखना चाहेंगे आप इनको बॉल डालते हुए, क्योंकि उस दिन काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया मुंबई की डिसीजन को कि वो 13वें ओवर तक उन्होंने अपना दूसरा ओवर नहीं किया था। देखिए, वो कैप्टन के ऊपर निर्भर करता है। अगर मैं कैप्टन हूँ और मुझे लगा मेरे पहले 3 ओवर में 30-40 रन बन गए हैं, तो ऑब्वियसली मैं उसी दिन उनको 2 ओवर पावर प्ले में कराऊंगा, चौथा और छठा, ताकि उन 2 ओवरों में रन कम जाएं और मेरे को विकेट लेके दें, ताकि विकेट लेंगे तो फिर मेरा जो रन रेट होता है उसको मैं रोक सकता हूँ। वरना तो अगर विकेट नहीं ली तो फिर वो बल्लेबाज एक बार बुमराह को खेल गए तो फिर दूसरे तो आसान है उनके लिए, क्योंकि मुश्किल तो सबसे बुमराह ही है। तो सिचुएशन के हिसाब से बुमराह को इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है कि आप अंत में करो, अंत में हो सकता है आपको जरूरत ही ना पड़े। अगर उन्होंने पहले 2 और बीच में 2 में आउट कर दिए, 2 या 3, तो फिर आपको लगता है कि अंत में तो शायद कोई भी डाल लेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये होती है। तो मैं ये चाहता हूँ, जो रोहित शर्मा ने किया है बुमराह का इस्तेमाल, वो सबसे बेहतर किया है। जब आउट रन नहीं बन रहे हैं तो वो नहीं लाए उन्हें पावर प्ले में, और जब रन बनने शुरू हुए तब वो लाते हैं, ताकि वो ब्रेक लगा दे उस समय, या तो आउट हो जाए या वो सस्ता ओवर डाल के जाए 3 रन 4 रन का, और फिर ब्रेक लग जाए। तो वो इस्तेमाल सबसे बढ़िया रोहित शर्मा ने किया, तो वो सिचुएशन के हिसाब से करते हैं। तो वो अगर करेंगे हार्दिक पांड्या तो शायद बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। और हेड एंड शोल्डर्स ऊपर हैं ये बाकी सब गेंदबाजों से, अगर आप देखें। क्यों हम इनके बारे में इतनी चर्चा करते हैं जब मुंबई की बात हो, मतलब आप देख लीजिए, आंकड़ी देख लीजिए वीरू, ये तो मतलब बाकी गेंदबाजों को इससे देख के इम्प्रेस भी होना चाहिए और थोड़ा निराश भी होना चाहिए कि भाई हम थोड़े पीछे रह रहे हैं भाई से। नहीं देखिए, ये आंकड़े तो गजब के आंकड़े हैं, ये तो मतलब राशिद खान के भी नहीं है, सुनील नारायण के भी नहीं होंगे अगर वानखेड़े पे खेलेंगे तो। तो ये मेरे ख्याल से, मैं तो बड़ा इंप्रेस हूँ, तभी मैं कह रहा हूँ सिचुएशन के हिसाब से बुमराह का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। आपको लगता है कि कौन बैट्समैन रन बना रहा है, फॉर्म में है, उसके सामने बुमराह को लाइए, ताकि वो भले चाहे 1 महीना आउट हो तो दूसरा कराइए, क्या पता दूसरे में आउट कर, क्योंकि उसने एक बार उसका आउट कर दिया तो फिर टीम का मोरल गिर जाता है, यार मेरे इन फॉर्म बैट्समैन आउट हो गया, अब दूसरा पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। विदेशी गेंदबाज जो हैं उनके लिए भी ये वांकड़े वाला जो स्टेडियम है थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इतने रन पड़ते हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह को छोड़ के बाकी गेंदबाजों को कितने रन पड़ रहे हैं। आपकी क्या एडवाइस होगी जो विदेशी गेंदबाज हैं, ये कैसे तोड़े ये वांकड़े का टोटका? देखिए, सबसे पहले मेरी एडवाइस इन लोगों को ये रहेगी कि आप सबसे पहले जसप्रीत बुमराह के पास जाएं, समय बिताएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय उनसे बिताएं। लेंस कहाँ करना है इंडियन कंडीशंस में, इनको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 विदेशी खिलाड़ी देखे आप, एक ल्यूक वुड पहले मैच खेले, उसके बाद मफाका साउथ अफ्रीकन है, तो ये दोनों अलग अलग देश से आते हैं, एक इंग्लैंड से आते हैं, एक साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो वहाँ के लेंस वहाँ के पिचों के अनुसार अलग होती है, और जब वो भारतीय कंडीशंस में आते हैं ना तो वही लेंथ करने की कोशिश करते हैं। अधिकतर देखा जाता है या तो ज़्यादा ऊपर हो जाता है या तो ज़्यादा पीछे हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जसप्रीत बुमराह से एडवाइस लेना चाहिए। सब कॉन्टिनेंट्स की विकेट्स यहाँ एक इवन हाइट में चलती है, तो वहाँ लेंस पकड़नी बहुत ज़रूरी है। आप जब भी आओ, खासकर अगर नए बॉल से डाल रहे हो, अक्सर देख अभी लास्ट 2 मैच देखे हैं, 2-2 नए बॉलर विदेशी खेले हैं, तो नए बॉल से लेंथ नहीं पकड़ पा रहे, तो वो एडवाइस लेके उनसे काम करो, मेरे ख्याल से नई बॉल में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा वेरिएशंस जितना आप ज़्यादा ला सकते हो, क्योंकि बॉलर इस फॉर्मेट में तभी बच सकता है जब उनके हाथ में वेरिएशंस हो, और वेरिएशंस को बैक करें और एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें बस। तो भाई, जब आपके पास मास्टर क्लास है सामने जसप्रीत बुमराह, तो जितना भी ज्ञान वहां से निचोड़ सकते हैं निचोड़ लीजिए। चलिए, ये थी हमारी सॉलिड एडवाइस ऑफ द मैच पावर्ड बाय मोतीलाल ओसवाल, थिंक इक्विटी, थिंक मोतीलाल ओसवाल।